हे गाइस, तो आज लग रही है शादी की मेहंदी और मैं मेहंदी लगाते वक्त ये मुझे हमेशा याद रहता है कि चाहे कुछ भी करो व्लॉग तो हमारा बनना ही बनना चाहिए। हाय, तो मेरी तरफ से सभी लोगों को हाय। और ये आप लोग देख सकते हो मेरी मेहंदी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। दुल्हनिया की मेहंदी अभी कल नहीं तो परसों लगेगी, तो उसका व्लॉग हम अलग से लेंगे। ये मेरी मेहंदी है, पीछे का आगे आगे का तो मैंने पहले ही बनवा लिया था, अब मैं पीछे की साइड की मेहंदी बनवा रही हूँ। और अब मैं ना आपको अपनी पूरी मेहंदी पास में से दिखाती हूँ। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम अमेजिंग तरीके से। और जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ ना, तो मेरे सारे कजिन्स, सारी बुआ मासी वगैरह सब जने कह रहे हैं, बेटा तू है ना वीडियो में कुछ भी मत छोड़ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि शादी का मज़ा तो लेने सिर्फ तू आई है। तो गाइज ऐसा तो बनता नहीं यार, बहन की शादी है तो मज़ा तो लेना पड़ता ही है। तो और मेरा चेहरा देखो, मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि लोग मेरे साथ में रह रहे हैं कि ना मुझे एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये है मेरी मेहंदी का फाइनल लुक, कैसी लग रही है आप लोग फटाफट से कॉमेंट कर देना। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग ने जो टोपू की शादी में जो भी, मैं सिर्फ वही दिखाऊंगी जो डेकोरेट करा है, जिसमें क्रिएटिविटी करी है, बाकी मुझे चीजों में कोई खास नहीं रखा है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर ये जो है ये कोमल ने बनाया है, ये पूरा फ्रेम देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है। उसके बाद में ये इन्होंने जो मेन एंट्रेंस पे हम लोग जो नेम प्लेट लगाते हैं ना, वो नेम प्लेट इन्होंने कुछ इस तरीके से पूरा फ्रेम बनाया है। ये देखो पूरा घर बनाया है, गेट और ये फिर गट्टानी, टोपू का जो सरनेम है गट्टानी होने वाला है। ये एक कोटी देंगे, ये चरी है, फिर ये जो है इसमें मतलब मंगोड़ी जो डालते हैं वो है, और ये भी एक डिजाइन दिया है, एक ये भी क्या बनाया है, मोर बनाया है। ये क्या है, ये शुभला भी आई थिंक कान्हा जी की ड्रेसेस है, जो कान्हा जी यहाँ पर है ना, ये देखो ये रहे कान्हा जी, तो उनकी ड्रेसेस है वो। और फिर उसके बाद में ये जो है, हाँ ये वाला, ये रिंग स्टैंड है, और ये हल्दी की डिजाइन बनाई हुई है, हल्दी की पैकिंग, फिर ये ड्राई फ्रूट्स की विधि एक्सप्रेस, विधि विधि मतलब इनकी शादी का जो टैग रखा है विनोद जी एंड रिद्धि, तो विधि एक्सप्रेस। ये तो आरती की प्लेट है, ये एक और ड्राई फ्रूट्स की रही रिद्धि एंड विनोद, ये चॉकलेट्स की कुछ कटिंग है कुछ इस तरीके से, ये राशन गाड़ी, अरे यार इसका थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, ये देखो ये राशन गाड़ी, ये भी पूरा बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये एक रंगोली है, ये इन दोनों की मैरिज डेट के हिसाब से कुछ बनाया हुआ है। फिर ये है, ये भी कान्हा जी जो मैंने आपको बताए थे, ये कान्हा जी और उनके ड्रेसेस, ये पापड़, ये पर्स का एक बैग, ये झूला, देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये कुछ डॉल्स, ये इस तरीके का गिटार है चॉकलेट का, और ये बांदर वाला। इसे बता देती हूँ क्योंकि उस टाइम ना पैकेट बहुत हॉश पॉश हो रहा था। वो एक बाथरूम सेट चौकी है, ये उसकी बेड शीट्स है, ये जो रेड वाले थैले में ना ये बेड शीट्स है, वो पीछे तीनों बेड शीट है। फिर उसके बाद में ये रूम सेट है, ये बेड शीट हो गई, ये साड़ियाँ हैं टोटल तो 11 साड़ियाँ हैं, 6, 6, 12, 6, 18, ठीक है 19, 20 और ये 21, तो मतलब 18 साड़ियाँ हैं और 3 लहंगे हैं। ये कुछ रुमाल है, और ये मेकअप का किट है, ये टॉवल्स है, ये भी एक और रेड कलर का जो ड्रेस उसको लगेगा मामा सुंदरी टाइप, और ये उसकी और अदर एक्सेसरीज मतलब कि शैम्पू एंड ये आपको दिख ही रहा है ना, मतलब सारे जो जो इसको एक्सेसरीज यूज में आएगी वो सारा इधर में लिया हुआ है, और भी कुछ है, और ये सब जो हम लोगों ने उस दिन आपको दिखाया था डब्बों को किस तरीके से रैप किया था। सो ये है हमारी टोपू दीदी को शादी का देने का सारा आइटम।